अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमें सदका फितर देना चाहिए। जब चांद दिख जाए जो अगर चांद दिख जाए तो हमें तकबीर करनी चाहिए, ये पढ़नी चाहिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा अल्लाहु अल्लाहु अकबर, लिल्लाहि हम्द, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, लिल्लाहि हम्द। ईद की रात या सुबह तक से तकबीर पढ़नी चाहिए। ईद वाले दिन हमें नाना चाहिए, जो माँ पहननी चाहिए, अगले दिन नाना चाहिए, कपड़े नए कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, घर से बाहर निकलते हुए कोई मीठी चीज खानी चाहिए। जी बिल्कुल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन उस वक्त तक बाहर नहीं निकलते जब तक खजूरें तनावल ना फरमा लेते, तो इसलिए कोई भी मीठी चीज़ जो है वो खाना सुन्नत है। और गुसल करना, नया लिबास पहनना, खुशबू लगाना, ये भी सुन्नत है। और ईद के अदाब में जो सदकातुल फितर आपने बताया वो भी हमें इससे पहले पहले ईद की नमाज से अदा करना चाहिए, और तकबीर जो है वो पढ़नी चाहिए चांद देखते ही और सुबह तक। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में पैदल जाया करते थे, तो पैदल भी जा सकते हैं, आपके पास सवारी है तो भी जा सकते हैं। और नमाज ईद के लिए घर वालों को भी साथ लेके जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ईदगाह में जाने का हुक्म दिया था। तो आजकल जैसे कोरोना है, तो कोरोना की वजह से घर में ही लेडीज का होना जरूरी है, गैदरिंग नॉट अलाउ। तो इसके अलावा और आप बताएं और इसके क्या आदाब हैं? ईदगाह की तरफ जाते हुए जो तकबीर है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर की दिन ईदगाह को जाते थे तो ये तकबीर पढ़ते थे, और नमाज ईद से फारग होने के बाद वो कोई तकबीर नहीं पढ़ते थे। वो ईदगाह में पहुंचकर जब तक इमाम नमाज ईद के लिए सफ़ें सीधी करने का हुक्म ना दे दे, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकबीर पढ़ते थे। और ईद की जमात से पहले और बाद में कोई नफल जमा नहीं पढ़ते। अगर आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे, अगर आपको मेरी ईद की वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।